जय जिनेन्द्र। अरे देखो तो ये कौन है जो अकेले ही इतना सारा खाना खाए जा रहा है और खाता ही जा रहा है। जानना चाहते हैं कौन है ये जिन्होंने अकेले ये इतना सारा खाना खा लिया। तो चलो जानते हैं। इनका जन्म 2nd शताब्दी में 2री शताब्दी में दक्षिण भारत के कांची नाम के एक शहर में हुआ था। वो एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, लॉजिक, व्याकरण, साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे और अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले थे। इन्होंने बहुत सारे स्तवन, शास्त्र जी और ग्रंथों की रचना की। लग रहे ना इंटरेस्टिंग? पता है ये कौन थे? ये हैं महान आचार्य श्री समंत भद्र जी। एक बार उनको एक भयंकर बीमारी हो गई जिसका नाम था भस्मक व्याधि रोग। इस बीमारी में कितना भी भोजन कर लो वो खाने के बाद भी बहुत भूख लगती है। ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा था। तो आचार्य समंत भद्र जी जो भी खाते उसी समय भस्म हो जाता और उनको फिर से भूख लगने लगती। इस बीमारी के कारण आचार्य समंत भद्र जी को मुनिचर्या का पालन करना बहुत कठिन हो रहा था। तो अपनी इस समस्या से छुटकारा पाने और इसका समाधान प्राप्त करने वो अपने आचार्य श्री के पास गए और संलेखना धारण करने की आज्ञा मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संलेखना क्या होती है? तो समता भावों से राग द्वेष आदि को कम करके धीरे धीरे भोजन आदि का त्याग करके और शरीर को कृश करते हुए मरण करना ही संलेखना कहलाता है। हम इसे समाधि मरण भी कहते हैं। तो अब ये जो रोग था उसका इलाज तो केवल अच्छे अच्छे सुस्वाद भोजन खाने से ही संभव था और मुनि होते हुए वो भी बार बार भोजन करना ये तो पॉसिबल ही नहीं था उनके लिए। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु से संलेखना की ही अनुमति मांगी। लेकिन उनके गुरुदेव ने उन्हें संलेखना नहीं दी बल्कि कहा जब तक कि उनका रोग ठीक नहीं हो जाता तब तक उपचार करने के लिए कुछ समय तक अपनी दीक्षा छोड़ दो। रोग शांत होने पर फिर से अपनी मुनिचर्या का पालन करना, ऐसा कहा उनके आचार्य ने। तो गुरु की आज्ञा लेकर आचार्य समंत भद्र जी अपना रोग शांत करने के लिए एक नगर से दूसरे नगर घूमते रहे। सबसे पहले पंडू नगर पहुंचे मगर उन्हें वैसा भोजन नहीं मिला वहां। और फिर आगे चले तो शहर आया मंदसौर, वहां भी वैसा भोजन नहीं मिला। अब घूमते घूमते वो बनारस के एक मंदिर में पहुंचे। तो वहां का पुजारी मंदिर से आ रहा था बाहर पूजा करके और उसके हाथ में बहुत सारे व्यंजनों की थाली थी। ये सब उसने भगवान को भोग लगाया था। तो आचार्य समंत भद्र जी ने पुजारी से कहा आप ये भोजन मंदिर में अर्पित करते हो और फिर वापस उठा कर ले आते हो, क्या आप लोगों में से किसी में भी ऐसी शक्ति है कि ये जो व्यंजन है वो भगवान को खिला सके? अब ये सुन के तो पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा क्या आप में ऐसी शक्ति है कि आप ये भोजन भगवान को खिला सके? बस आचार्य समंत भद्र जी ने कहा हाँ हाँ मैं तो ये कार्य बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। अब पुजारी को तो इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। वो तो भागा भागा किंग के पास, राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। अब राजा को भी लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, बट ही गॉट क्यूरियस। तो वो भी मंदिर में पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने आचार्य समंत भद्र जी से कहा कि ये वो भोजन भगवान को खिला कर दिखाएं तो मानेंगे। तो आचार्य समंत भद्र जी ने सारे व्यंजनों को मंदिर के अंदर रखवा दिया और दरवाजा बंद करके कुछ ही देर में सारा भोजन खा लिया। हाँ, और फिर दरवाजा खोला और तो फिर सभी की आंखें खुली रह गईं। सभी आश्चर्यचकित थे क्योंकि भोजन के सारे थाल खाली थे, भोजन तो कुछ भी नहीं बचा था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि इतना जल्दी ये सारा भोजन कहाँ चला गया। अब वहाँ के मंदिर के व्यवस्थापक ने आचार्य समंत भद्र जी को
वहां रहने की परमिशन दे दी। अब बस एक से एक बढ़कर पकवान मंदिरों में आने लगे। समंतभद्र जी रोज मंदिर का दरवाजा बंद करके विशाल अन्न राशि का भोग लगाने लगे। अब ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। धीरे धीरे उनका रोग खत्म होने लगा, मतलब अब उनकी भूख शांत होने लगी थी और इस वजह से वो पूरा चढ़ाया हुआ भोजन नहीं खा पाते थे तो वो बचने लगा। राजा और सभी को भी शक होने लगा कि अब ये चढ़ाया हुआ भोजन बचने क्यों लगा, इसका तो पता लगाना होगा। उन्होंने चुपचाप एक लड़के को मंदिर में छुपा दिया, ऊपर से फूल पत्तों से उसे ढक दिया जिससे वो किसी को दिखाई ना दे। अब हर दिन की तरह समंतभद्र जी ने मंदिर का दरवाजा बंद किया और मजे से भोजन करने लगे। और ये करता देख लड़के ने उन्हें देख लिया, बस मंदिर से आकर सबको सच बता दिया। राजा और अन्य सभी लोग समंतभद्र जी को धोखेबाज समझने लगे। पुजारियों ने कहा, इन्होंने चढ़ाया हुआ भोजन खाया है, हमारे देवता का अपमान किया, अब आप नमन करें, उन्हें क्षमा मांगे। इस पर समंतभद्र जी ने कहा, मैं तो केवल वीतराग भगवान को ही नमन करता हूँ। राजा के बहुत बार बोलने पर समंतभद्र जी ने कहा, ठीक है, अगर आप इतना कहते हैं तो मैं कल सुबह नमस्कार करूंगा। अब राजा ने समंतभद्र जी को एक कमरे में बंद करवा दिया और बाहर तलवार लिए पहरेदार तैनात कर दिए ताकि वो कहीं भाग न जाएं। अब समंतभद्र जी तो शांत बैठकर बहुत भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति के प्रभाव से वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई। देवी ने प्रसन्नता से कहा, आपकी भक्ति और श्रद्धा बहुत पवित्र है, आप स्वयं भुवा भूतितेन भूतले पद्यांश को लेकर 24 तीर्थंकरों की वंदना करते हुए एक स्तवन की रचना कीजिए। प्रभु की भक्ति में किए गए सारे कार्य सफल होते हैं। इसके बाद समंतभद्र जी ने स्तवन की रचना की। अगले दिन बहुत सारे लोग मंदिर के बाहर आकर इकट्ठे हो गए। राजा की आज्ञा होते ही समंतभद्र जी को मंदिर में लाया गया। मंदिर में आकर उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण भक्ति से 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना स्टार्ट किया। जैसे ही 8वें तीर्थंकर भगवान श्री चंद्र प्रभु का नाम आया, उसी समय तो जैसे चमत्कार हो गया। मंदिर में चंद्र प्रभु भगवान की 4 दिशा की ओर मुख करने वाली प्रतिमा प्रकट हो गई। सभी के सभी आश्चर्यचकित हो गए और सब चंद्र प्रभु भगवान की जय जयकार करने लगे। अब रोग भी ठीक हो गया था तो आचार्य समंतभद्र जी ने फिर से मुनि दीक्षा ली और सबको धर्म पालन का उपदेश दिया। धर्म का सच्चा स्वरूप सुन राजा का हृदय भी परिवर्तित हो गया और उसने भी उन्हीं के चरणों में मुनि दीक्षा ले ली। आचार्य समंतभद्र ने ऐसे अनेकों ग्रंथों की रचना भी करी है, जैसे कि रत्नकरंडक श्रावकाचार, स्तुति विद्या जिनशतक, स्वयंभू स्त्रोत, युक्तानुशासन, देवागम, आप्ति मीमांसा स्त्रोत एवं अन्य कई ग्रंथ। इनमें रत्नकरंडक श्रावकाचार्य बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि एक गृहस्थ को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे कि भविष्य में वो मोक्ष प्राप्त कर सके। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध है और इसके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो देखा कैसे आचार्य महाराज ने सबको सही धर्म समझाया और खुद भी धर्म में आगे बढ़े। आप भी बढ़ेंगे ना धर्म में आगे। जय जिनेन्द्र।